क्या विराट कोहली सिर्फ आईपीएल के शेर हैं? क्या विराट कोहली सिर्फ पाटा विकेट पर खेल सकते हैं? क्या विराट कोहली स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं? क्या विराट कोहली को स्पिन खेलना नहीं आती? सोशल मीडिया पर लगातार ये सवालों का जो हमला है वो विराट कोहली पर किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में भी विराट कोहली फ्लॉप रहे। पहले वनडे में विराट 24 रन बनाकर आउट हुए हसरंगा के खिलाफ, दूसरे वनडे में विराट 14 रन बनाकर आउट हुए वांडर्से के खिलाफ, और तीसरे वनडे में विराट कोहली 20 रन बनाकर आउट हुए दुनित वेल्लालगे के खिलाफ। यानी कि तीनों मैचों में तीनों विकेट जो है स्पिनर्स के खिलाफ, वो भी तीनों LBW। अपने करियर में पहली बार लगातार 3 बार विराट कोहली स्पिनर के खिलाफ LBW हुए हैं किसी भी सीरीज में। श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में उनका जो एवरेज है वो है 19.33, उनका लोएस्ट अब तक का श्रीलंका के खिलाफ, जो अब तक जितनी भी उन्होंने बायलैटरल सीरीज खेली है। तो विराट कोहली को हो क्या गया है, इसको डीकोड करते हैं जरा। अब आप देखिए, पिछले कुछ सालों में, मतलब अगर आप पिछले 4 या 5 साल उठा लेना, विराट कोहली के जो आंकड़े हैं स्पिन के खिलाफ बहुत ज्यादा खराब है भाई। पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर से दिक्कत होती थी, अब रिस्ट स्पिनर से भी दिक्कत होने लगी है। तो दोनों को मिला जुला कर अगर देखा जाना तो विराट कोहली स्पिनर्स के सामने बेबस से नजर आते हैं, और स्पेशली तब जब विकेट में थोड़ा सा टर्न हो, थोड़ी सी घुमाव हो, तब विराट कोहली की जो बल्लेबाजी एक्सपोज हो जाती है स्पिनर्स के सामने, तब ऐसा लगता है यार दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज शायद इस पिच पर बल्लेबाजी नहीं कर पाएगा या स्पिन को नहीं खेल पाएगा, क्योंकि आंकड़े यही बयां करते हैं, परफॉर्मेंस भी यही बयां करती है। और इसका शायद सबसे बड़ा कारण है, जो सबका मानना है, बहुत से दिग्गज पत्रकारों का या क्रिकेट एक्सपर्ट्स का, कि विराट कोहली डोमेस्टिक में नहीं खेलते। विराट कोहली डोमेस्टिक में जाकर रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, वहां पर नहीं खेलते, जबकि वहां पर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में टर्न पिचेस पे आप बेहतर शायद अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। सचिन तेंदुलकर तो करते थे यार, वो तो क्रिकेट के भगवान थे ना, वो भी तो डोमेस्टिक जाकर खेलते थे। उन्हें लगता था कि यार मेरा रन नहीं बन रहे हैं, मेरा फॉर्म नहीं हो रहा है, मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो शायद मैं डोमेस्टिक जाकर खेलूं, वहां पर रन बनाऊं, कॉन्फिडेंस पाऊं और फिर से टीम में आऊं और फिर रन बनाऊं। शायद प्रोसेस तो यही थी। और जो जनरेशन है, जो विराट कोहली से पहले वाली जनरेशन है, सचिन, गांगुली, सहवाग, गंभीर वाली, वो लोग तो अक्सर यही किया करते थे, डोमेस्टिक खेलते थे बीच बीच में, जहां पर भी ब्रेक मिलता था और मौका मिलता था डोमेस्टिक खेलने का खेलते थे। इस टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी है या जो बल्लेबाज हैं, कोई डोमेस्टिक नहीं खेलता जाकर, पता नहीं ईगो पर लगता है या क्या लगता है, जो भी हो, बट डोमेस्टिक जाकर नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते भाई? आप अपने ही देश के डोमेस्टिक में खेल रहे हैं तो आपकी नाक छोटी नहीं हो जाएगी? अगर आपको स्किल्स को इंप्रूव करना है तो वो करना पड़ेगा, टर्निंग पिचेस पे खेलना पड़ेगा। बार बार ब्रेक लेने से कुछ नहीं होगा, बार बार फैमिली की चीजों को बोलकर लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आईपीएल की पाटा विकेट पर रन बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको टर्निंग पिचेस पे रन बनाने हैं, डोमेस्टिक खेलिए, रेड बॉल वहां पर खेलिए, अभी दिलीप ट्रॉफी आ रही है वहां पर खेलिए, ताकि बांग्लादेश के खिलाफ जब आप टेस्ट सीरीज उतरो ना, तो वहां पर ये बहाने ना रहे जो पिछले कुछ समय से लगातार हैं। तो देखने वाली बात होगी, क्या गौतम गंभीर, अजीत अगरकर मिलकर ये कंपलसरी करते हैं कि सारे इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो आने वाला डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, ताकि बांग्लादेश से पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वहां पर ये लोग प्रिपेयर हो पाए। ये देखने वाली बात होगी कि क्या BCCI सख्ती से ये नियम कानून लागू करती है या नहीं करती है। बट फिलहाल विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है बहुत निराशाजनक रहा। एक तरफ रोहित शर्मा रहे, ऐसा लग रहा था अलग पिच पे खेल रहे, विराट ऐसा लग रहा कि पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है, पूरी सीरीज में फ्लॉप। जो उम्मीदें थी वो कुछ भी नहीं हो पाई, 150 नहीं बना पाए विराट कोहली, और वो विराट कोहली जो दुनिया में 50 शतक मार चुके हैं इस समय ODI क्रिकेट में। आपको क्या लगता है कहां पर विराट कोहली की कमी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल दिव्य एंड श्रेय सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक और ट्विटर या इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पर हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।